मैं बोल की स्क्रीन से पाकिस्तान के लोगों को मुबारकबाद दे रहा हूं। आज जो मैंने आज की हियरिंग देखी है, मैं कहता हूं आप मिठाइयां, अगर आपको शुगर भी है ना तो आप गुलाब जामुन खाएं, कलाकंद खाएं, लड्डू खाएं अफतारी के बाद, क्योंकि जो सुप्रीम कोर्ट जा रही है फैसला देने पाकिस्तान के आइन को प्रोटेक्ट करने, जो जजेस के सवाल हैं, जो चीज़ें एस्टेब्लिश हुई हैं, इलेक्शन होने जा रहे हैं। और मैं आपको इसका और एक सबसे बड़ा एक लिटमस है, ये जो आज फुदक रहे थे ना शहबाज शरीफ असम्बली में, बिलबिला रहे थे, रो रहे थे, चीखें निकल रही थी, ओए जजों को सजा दो, ओए ये करो, ओ वो करो, वो उन्हें पता चल गया केस उनका नहीं है। और उन्होंने जो नौसरबाजी या ठगी की ना, वो उमर अता बंदयाल साहब ने पकड़ ली है। और जो सबसे अच्छी बात है, मैं अप्रिशिएट करता हूँ जस्टिस जमाल खान, जस्टिस जमाल मंदोखेल को, उन्होंने आज जिस तरीके से पूरी साजिश को जो सुप्रीम कोर्ट को तकसीम करने की बात हो रही थी उसको नाकाम बनाया और ये कहा है ये तीन चार की जो भी बात है ये हमारी अपनी इंटरनल बात है। आप ये बताइए कि ज्यूरिसडिक्शन है क्या इलेक्शन कमीशन के पास तारीख को देने की? तो अदालत में जो सामने आई बात वो ये थी कि इलेक्शन प्रोग्राम में तो तब्दील इलेक्शन कमीशन कर सकता है, शेड्यूल तब्दील कर सकता है, डेट जो है वो तब्दील नहीं कर सकता। और फिर मंदोखेल साहब ने ये कहा कि हमें आप पर क्या एतबार, सेंसिस का पता नहीं कब ऐलान करेंगे और कब नहीं करेंगे। एक बड़ा आर्गुमेंट पेश किया अटॉर्नी जनरल साहब ने, जी मरदमशुमारी हो रही है। तो इस पर उमर अताब बंदयाल साहब ने और मुनीब अख्तर आज इस कदर ज़बरदस्त उनके रिमार्क्स थे कि यकीन करें कि ऐसी चीज़ बिल्कुल समझ आ रही थी कि क्या है मामला, किस तरफ जा रहा है। उन्होंने भी बड़ी खुलकर ये बात कही कि एक ही एक्सरसाइज है सेंसिस, अगर जब भी ये कंप्लीट हो जाएगी तो उस वक्त जो इलेक्शन हो रहे होंगे उसका बेनिफिट उस वक्त लोगों को मिल जाएगा, लेकिन सेंसिस की वजह से आप इलेक्शन होल्ड करना, ये तो आइन में इसकी कहीं कोई गुंजाइश ही नहीं। तो जो मेरी आज समझ में आई बात, इलेक्शन होने जा रहे हैं, इलेक्शन कमीशन ने जो कुछ किया गैर कानूनी तौर पर किया, और आज जो बात कही गई कि जी फौज नहीं डिप्यूट हो रही डिफेंस, उस पर मुनीब अख्तर साहब ने कहा कि जनाब फौजी जो हैं वो तो दे आर सन्स एंड डॉटर्स ऑफ दिस नेशन, वो बॉर्डर पे हो या इलेक्शन की जिम्मेदारी कर रहे हो, वो एक ही जिम्मेदारी है, वो एक ही तरह का अपना फर्ज निभा रहे हैं इस कौम के लिए, इस मुल्क के लिए। तो आप और चीफ जस्टिस साहब ने जो ये बात कही आज अटॉर्नी जनरल साहब से कि लगता ये है कि इलेक्शन कमीशन ने हरेडली ये लिख दिया है, बड़ी तेजी में लिखा है, क्योंकि इसमें कोई ऐसी चीज हमें सेंस नजर नहीं आ रही। और जो दहशतगर्दी की जंग है वो तो 90 से पाकिस्तान जो है वो लड़ रहा है इस जंग को, लेकिन इलेक्शन तो होते रहे हैं। मैं मेरी तरफ से पेश की मुबारकबाद, ये फैसला आ रहा है, इलेक्शन होने जा रहे हैं, आइन की बालादस्ती होगी।